वेलकम बच्चों, डॉक्टर मृदुला शर्मा आपका मैं वेलकम कर रही हूँ आज अपने लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, एमएससी का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स में जो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फ्यूगैसिटी। देखो, फ्यूगैसिटी को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्यूगैसिटी। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द सॉर्ट ऑफ वर्ड डिसऑर्डरनेस, लाइक डिसऑर्डरनेस या इनस्टेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि स्थिरता नहीं है, है ना। और हमें मालूम है बच्चों, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इन तीनों ही पदार्थों की अवस्थाओं में, इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सबसे ज्यादा इनस्टेबिलिटी होती है गैसेस के अंदर। तो जो फ्यूगैसिटी की टर्म है वो हमको गैसेस के लिए ही दी गई है। तो क्योंकि हमको सबसे पहले आइडियल गैसेस के रिगार्डिंग किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करना होता है, और जब हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं तो वी हैव टू अप्लाई ऑन दी रियल गैसेस। तो वहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, बिकॉज रियल गैसेस में आइडियल का बिहेवियर होता नहीं है, उनमें डेविएशंस आते हैं। तो हम रियल गैसेस के लिए एक्चुअली इनस्टेबिलिटी को काउंट करना चाह रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हम आइडियल गैसेस ये चीज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो टर्म थी फ्यूगैसिटी, वो साइंटिस्ट लुईस ने दी थी, है ना, गिवन बाय लुईस। और साइंटिस्ट लुईस ने हमको जो आइडियल गैसेस हैं उनके बेस पर रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, दिस टर्म फ्यूगैसिटी वाज गिवन बाय साइंटिस्ट लुईस। अब क्यों हमें मालूम है बच्चों कि अगर गैस को हम स्टडी कर रहे हैं तो गैस के अंदर अपना एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, और गैस का अगर हम डिफ्यूजन देखें तो वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होती है। तो सबसे पहली चीज तो हो गई कि हम गैस के प्रेशर को यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, पहली बात। तो एक तो गैस का खुद का जो प्रेशर है, और दूसरी चीज क्या है, अगर हम गैस को टेम्परेचर दे दें, है ना, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और इस कारण से उनकी इनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि हमको थ्रू आउट दी स्टडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो लुईस ने कॉन्सेप्ट दिया है हमें रियल गैसेस के बिहेवियर को समझाने के लिए, वो उसने दिया है आइसोथर्मल चेंजेस के लिए, ठीक है। तो दिस फ्यूगैसिटी टर्म वाज गिवन फॉर द प्रोसेस आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस, यानी समतापीय और उत्क्रमणीय, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें ये टर्म्स दी गई हैं। तो बच्चों देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आपने अगर किसी गैस को टेम्परेचर नहीं दे रहे हो ना, उसके प्रेशर पे उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, वो भी उसकी मेन प्रॉपर्टी है इनस्टेबिलिटी, बिकॉज एंट्रोपी चेंजेस उसमें होंगे। तो अगर हम उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज देखें तो वो क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर रियल गैसेस, तो हम क्या निकालेंगे उसको, वीडीपी माइनस एसडीटी, ये होता है क्लासिकली, हमको ये इक्वेशन मालूम है बच्चों, और दिस इक्वेशन अराइव्स फ्रॉम क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन जो थी गई थी, ये आपको अगर आइडिया हो तो, फॉर फेज चेंजेस, जो प्रावस्थाओं में परिवर्तन होता है एक ही पदार्थ की, है ना, द फेज चेंजेस फॉर ओनली वन सब्सटेंस। तो जो फेज चेंजेस के बीच में, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है किसी रिएक्शन के लिए, वो होता है वीडीपी माइनस एसडीटी। तो ये क्लैपेरॉन इक्वेशन से हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो अगर हम, क्योंकि कह रहे थे सबसे पहले आइडियल गैस के लिए हमें इसको स्टडी करना है, और हमें पता है कि आइसोथर्मल ये रिएक्शन हो रही है, तो आइसोथर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर मस्ट बी कॉन्स्टेंट। तो इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट देन टेम्परेचर चेंज विल बी जीरो। सो फ्रॉम इक्वेशन वन डीटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर आइडियल गैसेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी डीजी इक्वल्स टू वीडीपी।
आइडियल है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है। और इफ एन इक्वल्स टू हम लोग वन मोल ले ले, हम यूनिटी मान करके ले, तो पीवी इक्वल्स टू आरटी एंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वी इक्वल्स टू आरटी अपॉन पी होगा। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड में वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रख दें तो आरटी इंटू डीपी अपॉन पी, ये हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से पुट कर देंगे। देखिए क्लैपेरॉन इक्वेशन थी फेज ट्रांसफर के लिए, फॉर सेम सब्सटेंस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट द रिएक्शन। आइडियल गैस के लिए एंड वन मोल के लिए हमने वॉल्यूम की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों। अब आप देखिए कि डीपी अपॉन पी का जो हमारे पास फॉर्म होता है उसको हम किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें या हम इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डीजी इक्वल्स टू आर टी डी लॉग ऑफ पी, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, है ना। इसको आप नंबर डाल दीजिए 4। अब ये एक चीज हमारे पास आ गई है ना कि प्रेशर चेंजेस के कारण उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसी भी आइडियल गैस का इतना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन तो हमारी आई है आइडियल गैस के लिए, तो जब हम रियल गैस के लिए निकालेंगे तो ये फंक्शन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आइडियल गैस का प्रेशर और रियल गैस का प्रेशर डिफरेंट होता है एज वी नो फ्रॉम वैन डर वाल करेक्शन टर्म्स कि जो रियल गैसेस होती हैं उनके प्रेशर कुछ कम होते हैं आइडियल से और हमें उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है। तो यहां पर हमको एक अनादर टर्म यूज करनी पड़ेगी विच इज सिमिलर टू द प्रेशर एंड दैट इज फॉर रियल गैसेस अनादर टर्म विल बी इंट्रोड्यूस दैट इज फ्यूगेसिटी। ओके, मतलब कि फ्यूगेसिटी इज अ फंक्शन, फ्यूगेसिटी एक फंक्शन है, एक फलन है जो कि प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, उससे मैच करता हुआ अपना होगा लेकिन वो रियल गैस के लिए होगा। तो आप देखिए फॉर रियल गैसेस फंक्शन एफ वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम फॉर रियल गैसेस इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डीजी इक्वल्स टू आर टी डी लॉग ऑफ एफ। तो ये जो इक्वेशन आएगी ना इक्वेशन 5th, ये होगी फॉर रियल गैसेस। तो हम अगर सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करें इक्वेशन 5th को और फिर हम आइडियल गैस के लिए इक्वेशन 4th को हम सॉल्व करें और दोनों को हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमको फ्यूगेसिटी की टर्म के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको पहले इक्वेशन 4th जो कि आइडियल गैस के लिए है इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं अगर अपन, तो आप देखिए मैं इसको पहले आपके लिए इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ। तो देखिए अपन इसको करते हैं सॉल्व, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करना होगा और हमें पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो स्टेट फंक्शन है। तो विद इन द लिमिट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स G1 एंड G2 हम इसको सॉल्व करेंगे। आरटी कांस्टेंट है और अगर हम इसको डी लॉग ऑफ पी का सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर भी P1 और P2 के बीच में हमें इसको सॉल्व करना होगा, यही होगा। देखिए ध्यान से, इसको आप नंबर डाल दीजिए 6। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, देखो इसका तो मिलेगा हमें G2 माइनस G1 क्योंकि इसको सॉल्व करने पर G ही आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर अपन करते हैं तो ये रह जाता है G2 माइनस G1। ये आएगा अपना RT लॉग ऑफ, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपर लिमिट P2 माइनस P1 लॉग में होगी तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली P2 अपॉन P1। तो इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इज डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर आइडियल गैस। इसको आप एक तरफ रख दीजिए, आइडियल गैस के लिए हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ये आएगा। अब सेम हमने जिस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया है ना, बिल्कुल हम रियल गैसेस के लिए जो फ्यूगेसिटी वाली टर्म है उसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो ये मिलेगा डेल्टा जी, ये होगा आरटी लॉग ऑफ विद इन द लिमिट्स F2 एंड F1 लॉग ऑफ F2 अपॉन F1, ये मिल जाएगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें बच्चों, ध्यान से देखिए,
ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये रियल आइडियल गैस के लिए है, और ये हमारे पास रियल गैस के लिए, और हम लोग एक्चुअली जो हमारे एनवायरमेंट में गैसेस प्रेजेंट हैं और वो रियल गैसेस हैं, तो हम उन्हीं की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो हमें ज्यादा जरूरी क्या है कि हम रियल गैस के लिए फ्यूगेसिटी को स्टडी करना करेंगे। तो अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो हम क्या निकाल पाएंगे बच्चों, आपका कंक्लूजन क्या होगा? फ्यूगेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये हमारा कंक्लूजन होगा। अब अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करेंगे ना, तो आइडियल गैस के लिए तो जो उसका एक्चुअली में प्रेशर है वही रहता है, तो फ्यूगेसिटी और प्रेशर का जो रेशियो आएगा यानी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो यूनिटी रहता है। तो फॉर आइडियल गैसेस, अगर हम इसको आइडियल गैस के लिए निकालते हैं, तो वहां पर तो हम अगर सपोज करें इसको ओपन करें, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मान लीजिए यूनिटी हो, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो एफ अपॉन टी आएगा और ये हो जाएगा 1 फॉर आइडियल गैस, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूनिटी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रियल गैसेस के लिए एफ अपॉन टी यूनिटी नहीं होता है। फॉर रियल गैसेस फ्यूगेसिटी अपॉन प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू 1, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा रियल गैसेस के लिए, वास्तविक गैसों के लिए वैल्यू हमारे पास 1 नहीं होती है। तो ये जो हमारे को वैल्यू मिलती है और हमें मालूम है कि हम रियल गैस को आइडियल बना सकते हैं, टेम्परेचर हमने किया हुआ है कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे? कोई भी रियल गैस कब हो सकती है आइडियल? जब हम उसका प्रेशर बहुत लो कर दें, हम जो उस पर अप्लाई कर रहे हैं ना प्रेशर वो बिल्कुल लो कर दें। बिकॉज कोई भी आइडियल गैस का बिहेवियर कब हमें मिलता है? जब उसका प्रेशर हम कम करते हैं, एट लो प्रेशर आइडियल गैसेस आर फाउंड। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, हमें जब भी रियल गैस की वैल्यूज बतानी है ना इन टर्म्स ऑफ फ्यूगेसिटी, तो हमें लिमिट्स लगानी होगी कौन सी वाली, प्रेशर की। तो अगर हम इस इक्वेशन को रियल गैसेस के लिए लिखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे लिख देंगे, क्योंकि फॉर रियल गैसेस ये यूनिटी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, एक लिमिट लगाएंगे एट लो प्रेशर गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। हमें आइडिया है गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। तो हम फ्यूगेसिटी को किस तरीके से लिख देंगे इसमें, आप देखिए होगा वो वहां पर लिखेंगे 1 फॉर रियल गैस, ये हम लिख रहे हैं फॉर रियल गैस। तो ये कब 1 होगा, मतलब हम ये जो वैल्यू आइडियल गैस के लिए ले रहे हैं ना एफ अपॉन पी इक्वल्स टू 1, तो रियल गैस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कंडीशन बतानी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या होगी, देखो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता रही हूँ कि अगर हम रियल गैस के लिए ये एफ अपॉन पी इक्वल्स टू 1 लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, ये जो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है कोई भी रियल गैस, तो लिखोगे आप यही एफ अपॉन पी, ये होगा 1, लेकिन हमको लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, वो आप देखिए मैं इसको मिटा करके आपके लिए लिख देती हूँ। लिमिट आप लगा देंगे कि प्रेशर लो है, मतलब अगर हम लिमिट सपोज करें 0, बिल्कुल ही आपने उसको ओपन कर दिया है, कोई प्रेशर नहीं लगाया है, तो एट लिमिट पी इक्वल टू 0 देन एफ अपॉन पी विल बी इक्वल टू 1, और ये होगी हमारी रियल गैस के लिए फ्यूगेसिटी। और ये जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जब हम किसी भी आइडियल गैस के कंपैरिजन से किसी रियल गैस की वैल्यू को या रियल गैस की फ्यूगेसिटी इनस्टेबिलिटी को अगर आप स्टडी करते हो, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है किसी भी वास्तविक गैस की प्रेशर पे जो डिपेंडेंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि प्रेशर भी एटमोस्फियर में है, क्योंकि वो हमने आइडियल गैस के लिए जितना प्रेशर उसका होता है वही माना है, और एफ क्या है, फ्यूगेसिटी, वो भी इनस्टेबिलिटी का ही फंक्शन है, तो फ्यूगेसिटी की भी यूनिट्स क्या होंगी, एटमोस्फियर ही होंगी, बिकॉज प्रेशर इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एटमोस्फियर, तो फ्यूगेसिटी भी एटमोस्फियर में ही होती है। तो दिस इज फ्यूगेसिटी, और ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एमएससी के लिए तो ये एमएससी के बच्चे जो हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा, प्रीवियस के लिए और हमारे जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हो या जो भी अपने कॉम्पिटिशन लेवल पे जा रहे हैं, तो वो कई बार समझ नहीं पाते व्हाट इज फ्यूगेसिटी, है ना। तो फ्यूगेसिटी एक फंक्शन है जो कि प्रेशर पे डिपेंडेंसी रखता है, वो बराबर कब होगा प्रेशर के, जब आइडियल बिहेवियर हो, और जब वो आइडियल नहीं है तो वो हम प्रेशर पे जो उसकी इनस्टेबिलिटी को फंक्शन को शो करना चाह रहे हैं, तो फ्यूगेसिटी हमने टर्म दे दी गई है, और ये जो है वो हमको रियल गैस की
स्टेबिलिटी कितनी होगी, उसकी इनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है, कितनी डिपेंडेंसी है वो एक्सप्लेन करके देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज फ्यूगेसिटी। तो बच्चों आपको यही इसमें एक्सप्लेन करना है और ध्यान रखना है सेम एक ही टाइप की हमने गैस ली है तो सेम स्टेट है, एक ही स्टेट के लिए जो फेज चेंजेस हम करते हैं। तो हमने क्लॉपेरॉन इक्वेशन को यहाँ पर हेल्प ली है, साइंटिस्ट लुईस ने हमको ये फ्यूगेसिटी टर्म दी है। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।